आदि शक्ति के ओनर मनोज मिश्रा जी एक रेस्पेक्टेड पर्सन जो कि अपना हर कीमती समय भोजपुरी को बढ़ाने में लगाते हैं, उस व्यक्ति पर एक गधे ने ऐसा वीडियो बना दिया जिससे उस व्यक्ति का पूरा मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। जी हाँ, आप सोचेंगे आखिर मैं क्या बात कर रहा हूँ। यार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ब्राह्मण समाज से, जिनको जादव समाज से बहुत ज़्यादा फट रही है, बहुत ज़्यादा। पहले खेसारी लाल जादव जी को टारगेट, अब मनोज मिश्रा जी को टारगेट। जी हाँ, देखो त्रिशा कर मधु जी का वीडियो वायरल होता है ये तो सबको पता था, और इस पर बड़े बड़े यूट्यूबर जो भी हैं किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत एक गंदी टॉपिक है, क्यों हम जाएं किसी के पर्सनल लाइफ में। आपने मेरे चैनल पर भी देखा होगा, महेश पांडे जी के चैनल पर, और भी जो एक्स वाई जेड है जो भी हैं जो अच्छा वीडियो बनाते हैं, किसी के चैनल पर आपको इस टाइप का वीडियो नहीं मिला होगा। हल्का फुल्का हमने बोला कि भोजपुरी का मान मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन एक ऐसे भी भाई हैं जिन्होंने सीधा वो पोस्टर उठा के बना दिया। चलो ठीक है, उनकी वो पर्सनल चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाए बताएं, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन उससे ही बड़ी बात है, मनोज मिश्रा जी पर सीधे ऐसा ब्लेम किया गया कि उस वीडियो में मनोज मिश्रा जी हैं, और ये बात सनसनी की तरह फैल गई, इतनी तेज़ी से फैल गई कि मनोज मिश्रा जी को लाइव आना पड़ा। लाइव आके इतने ज़्यादा निराश हो गए थे वो, ऐसा लग रहा था कि उनके आँख से आंसू निकल जाएगी। क्योंकि देखो यार, एक रेस्पेक्टेड इंसान को हमेशा अपने इज्जत की पड़ी रहती है। अगर जिस जो लतखोर है, जिसका कोई इज्जत ही नहीं है, उसका बात ही हटा दो, उससे कोई मतलब ही नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन एक रिस्पेक्टेड पर्सन है मनोज मिश्रा जी, आदि शक्ति के ओनर, हमेशा ही अपना जो वो कीमती समय होता है, हमेशा ही वो सोचते हैं कैसे भोजपुरी को कुछ अच्छा दिया जाए, भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा किया जाए। वो कंपनी का टीम ही भोजपुरी के लिए हमेशा सोचती है, और खासकर खेसारी लाल जादव जी के लिए। उनके ऊपर इतना बड़ा कीचड़ उछाड़ने से पहले पता तो कर लो उस वीडियो में बंदा कौन है। बिना देखे ये वीडियो बना दिया गया कि मनोज मिश्रा जी उस वीडियो में है। कल को तुम्हारे परिवार से अगर ऐसा कुछ हो, कल को बोल दिया जाए कि तुम्हारी बहन है उसमें, कितना बुरा लगेगा। कल को बोल दिया जाए तुम्हारा भाई है उसमें, कितना बुरा लगेगा। किसी के ऊपर बुरा बोलने से पहले एक बार देख तो लो। आपने वीडियो बनाया वो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आप न्यूज़ दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे किसी के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो सोचो ना कितना बुरा लगता है। कल मनोज मिश्रा जी के टीम से बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, मैं क्या बताऊँ, मैं तो खुद देखकर शॉक हो गया। मैं कल था भी नहीं उस समय कि मैं वीडियो बनाता, मैं बाहर था। तो प्लीज़ यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो बनाओ, आपको फुल आज़ादी है, फुल वीडियो जो बनाना है बनाओ, लेकिन किसी की इज्जत के साथ मत खेलो। पहले पता तो कर लो बंदा कौन था, वो बंदे के बारे में सही रिपोर्ट तो दो ना यार। आप दे रहे हो कि मनोज मिश्रा जी ने करवाया है, मनोज मिश्रा जी थे, तो ये सरासर गलत है, और ये फेक न्यूज़ था, पूरा फेक न्यूज़। आप लोग इस फेक न्यूज़ पर बिल्कुल ध्यान ना दें। मनोज मिश्रा जी एक रेस्पेक्टेड इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, मनोज मिश्रा जी एक बहुत अच्छे इंसान है, और हम लोग उनके साथ हैं, क्योंकि वो भोजपुरी के लिए बहुत कुछ किए हैं। क्योंकि भोजपुरी में इतने बड़े बड़े जो रिकॉर्ड बनते हैं, खेसारी लाल जी का, पवन सिंह जी का भी गाने का रिकॉर्ड बना है, उनके चैनल से ही बनता है, ठीक है, उनके चैनल से ही। वो कितने अच्छे इंसान हैं मैं अच्छे से जानता हूं। तो आप लोग प्लीज़ मनोज मिश्रा जी को सपोर्ट करें। एक एक सपोर्ट में जाके मनोज मिश्रा जी के आईडी पे लिख दीजिए कि भैया आई एम विथ यू, क्योंकि वो इंसान का इज्जत को उछाला जा रहा है जो कि हम उछालने नहीं देंगे। हम क्या सारे यूट्यूबर्स जो भी भाई है उछालने नहीं देंगे, क्यों चाहिए मैंने दिखा दिया। बिल्कुल फेक न्यूज़ से दूर रहें, और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने वाले जो हैं उनको सपोर्ट करने से पहले एक बार जान लें कि इस टाइप से भी वो करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन जो गलत है गलत को गलत बोलिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।